फ्रेंड्स ये देखिए, एक बाढ़ उधर बैठा है कोकोनट ट्री के ऊपर। ये कौन सा बाढ़ है किसको पता है तो बोलिए तो। इतना सुंदर है और कितना अलग है, मैं कभी भी नहीं देखी थी ये बाढ़ को, पहली बार देख रही हूँ। कोई नया बाढ़ ना मैं आज देखी, देख उड़ गया। ये यहाँ पे रहता है, ये कोकोनट ट्री ना वहाँ पे रहता है। जय जगन्नाथ। सब कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सब ठीक हो ना? सब ठीक रहो, खुशी से रहो, ठीक है? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे राइस हो गया है, चावल। आज है फ्राइडे तो अभी गए ऑफिस, तो कल से वीकेंड स्टार्ट, ठीक है? आज रात से ही तो हम लोगों को वीकेंड वीकेंड फील होगा। और माँ बाबा वही घर में है, जहाँ जेठ के घर में वहाँ पे रहते हैं। इवनिंग को अभी आने के बाद टाइम लेकर आते, नहीं तो फिर आकर फ्रेश होकर जाकर लेकर आते। तो मैं बोलती हूँ कि वहाँ पे खाना मत बनाओ माँ बाबा, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। वो बोले नहीं, हम लोग क्योंकि वहाँ पे तो घर है ना, तो उनको वहाँ पे अच्छा भी लगता है तो वो रहते हैं। तो लंच में बनेगा कतला फिश, कतला फिश आया था तो थोड़ा सा है, हेड टेल और दो तीन पीस है। तो आज झोलो बनाऊंगी कतला फिश और पटाटो देकर ना झोलो बनाऊंगी, और राइस और कतला फिश करी खाएंगे। और रात को कुछ वेज बनेगा क्योंकि माँ बाबा तो आएंगे रात को खाने के लिए। अभी ये जो महीने में ना बाबा नॉनवेज नहीं खाएंगे, वैसे माँ तो वेजिटेरियन है, माँ तो नॉनवेज नहीं खाते, बाबा खाते पर बाबा अभी नहीं खाएंगे। उड़िया में ना अभी हमारा अपर पक्ष बोलते हैं, जो उड़िया फ्रेंड है वो समझ पाएंगे कि जो श्राद्ध होता है ना, जैसे मेरी ससुर जी ना श्राद्ध करेंगे, दशहरा से पहले ही वो श्राद्ध होगा, ठीक है? तो उतना दिन तक ना नॉनवेज नहीं खाना है। तो पापा का लास्ट नॉनवेज वो ये कतला पीस इसलिए लेकर आई थी, और प्रॉन लेकर आई थी, पोई चिंगड़ी और कतला माछ बोलती हूँ, कतला फिश ना उसको फ्राई की थी, तो वही उनका लास्ट नॉनवेज खाए थे। अभी वो नहीं खाते तो बोले कि तुम लोग नॉनवेज बना के खाओ, हम यहाँ पे कुछ बना के खा लेंगे। और इवनिंग को वो आते हैं, मैं पूरा अच्छे से गैस पोछ लेती हूँ, फिर हम लोग मैं रोटी और सब्जी कुछ भी बनाती हूँ, वैसे हम लोग फैमिली टाइम के तब मैं हम लोग सब मिलकर डिनर करते रात को। और लंच में मैं भी ऐसे क्योंकि ये भी आप चले जाते हैं तो हम लोग को नॉनवेज बहुत पसंद है, तो एक नॉनवेज बना लेती हूँ तो हो जाता है। और कुछ वेज तो मैं बनाती नहीं हूँ, जैसे थर्सडे हुआ और इस महीना मंगलवार मैं नहीं खाती हूँ, तो ट्यूसडे को नहीं खाती हूँ, और सोमवार को वैसे भी ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ। कभी कभी ऐसे बच्चे बोलेंगे तो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि संडे को अच्छे से चूंट के खा लेते हैं ना, पूरा फुल होकर खाते हैं ना, मंडे तक मन उठ जाता है। ट्यूसडे को तो मैं पूरा वेजिटेरियन, तो माँ बाबा आते हैं फिर बना के खाते, ऐसे उनको जैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे, अभी नहीं शुरू से ही ऐसे। तो पूरा हमारा जो तीन चार घर है ना, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहेंगे, इधर उधर ऐसे होते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि माँ बाबा आते हैं अलग रहते, तो वो हमेशा से ही ऐसे करते हैं। और वहाँ पे जो जेठ के घर है ना, वहाँ पे ऊपर में ना एक फ्लोर में पूरा माँ बाबा का रूम है, किचन है, सारे चीजें पहले से ही है, क्योंकि बाबा ना बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है कि वो कि मतलब इधर आएंगे दो चार घंटा रहेंगे ठीक है, पर सोना उठना बैठना उनको पूरा कंफर्टेबली एक रूम चाहिए होता है, तो उनके लिए इसलिए बना है वो घर। तो वो जब भी आते हैं ना, वहां पे ही खाना खाएंगे, बैठेंगे, टीवी देखेंगे, सब रहेंगे, पर रेस्ट करने के टाइम ना वो चले जाते हैं। और यहाँ पे आएंगे ना दो तीन घंटा रहेंगे, अगर मेरे बड़े जेठ भी जब रहते थे वहां पे भी जाएंगे तो दो तीन घंटा रहेंगे, पर सोएंगे वो उनका रूम पे, तो वहां पे ऊपर वो तो इंडिपेंडेंट हाउस है, तो बीच वाला जो फ्लोर है वो रेंट पे, और बाकी नीचे का फ्लोर और ऊपर का फ्लोर खाली है, हमेशा वो खाली रहता है। जब से मेरी जैसा नहीं यहाँ पे नहीं रहते है ना, तब से वो खाली रहता है, तो वहां पे ही सास ससुर आते हैं। तो अभी नहीं शुरू से ही 2004 से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जब से वो घर बना है तब से ही पापा उनके लिए भी ऊपर एक
रूम बनाए थे, सब बनाए थे। और फ्रेंड्स मैं वहाँ पे ना इतना सूट नहीं करती हूँ, मैं जाती हूँ पर सूट नहीं करती हूँ। तो इधर आते तो मैं मेरे घर में माँ बाबा को दिखाती हूँ और जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं मैं दिखाऊंगी। तो वो इवनिंग को आते हैं, आने के बाद हम लोग पापा तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते, उनको पसंद आया मूड हुआ तो कॉफ़ी पियेंगे। और माँ कभी कभी चाय लेते हैं, ठीक है, वो कभी कभी अदरक वाला चाय से मैं बना दूँ तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। त्रिशा का भी क्लास खत्म हो गया है और मैं खाना बनाऊंगी, अब एडिटिंग खत्म हुआ और हिंदी ब्लॉग के लिए कुछ शूट नहीं की थी तो आज बोला कि कैटला फिश मैं बनाऊंगी तो थोड़ा आज दिखाऊंगी करके। तो बस फिश झोलो और भात इतना ही खाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि माछ भात होता है ना, हमारा कुछ नहीं चाहिए। और बस, और बैंगन बहुत सारे है। और भी पापा मेरे ना बहुत सारे वेजिटेबल दिए थे मुझे, ब्रिंजल दिए थे, बीन्स दिए थे, परवल दिए थे, कांकड़ बोलते हम लोग वो भी दिए थे, और पाम्पड़ मिक्सर बहुत सारे सामान दिए थे वेजिटेबल। तो वो सब वेजिटेबल थोड़ी बहुत और है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा बस कल परसों तो ख़त्म हो जाएगा। तो पर अभी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, रात को ही जो बनाऊँगी बनाऊँगी, अभी वेजिटेबल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और ये ब्लॉग से पहले भी ना ट्यूसडे को और वेडनेसडे को दो ब्लॉग शूट हुआ है, मैं डालूंगी, ये ब्लॉग पहले डालूंगी या वो ब्लॉग पहले डालूंगी सोच रही हूँ, देखती हूँ, जो जैसे अच्छा लगेगा वैसा करूँगी, ठीक है। अगर ये ब्लॉग नहीं तो डाल दूंगी, वो ब्लॉग कुछ स्पेशल है, कुछ सरप्राइज है, संडे के दिन या फिर मंडे के दिन देखती हूँ कब दूंगी, ठीक है। कल ये ब्लॉग चला जाएगा, कल सैटरडे, कल सोच रही हूँ कल तक छोड़ दूँ करके, अभी एडिटिंग के ऊपर रहा, ठीक है, जितना जल्दी मैं एडिटिंग कर दूंगी उतना जल्दी ब्लॉग चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ना एक बर्थडे विश करूंगी मैं एक मेरी फ्रेंड सुमित्रा उनकी बेटी का अर्पणा का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, और पार्टी मनाओ और केक कट कीजिए और क्या क्या खाना खाए मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो कतला फिश का हेड पहले फ्राई कर दूंगी, और कितना बड़ा बड़ा हेड देखिए, बहुत बड़ा कतला फिश था। कितना बड़ा हेड, और मैं ना अभी सोच रही हूँ पटाटो देखकर बनाने वाली थी, पर अभी मुझे याद आया ना कि भाई परवल भी है, ये मेरे पापा भेजे थे ना परवल, तो ये परवल भी देखकर मैं कतला फिश का झोल बनाऊंगी, परवल आलू और कतला फिश रहेगा, पतला सा एक झोल होगा वो फ्राई राइस के साथ ना अच्छा लगेगा। और मैं ना कभी भी मेरे चैनल में नहीं दिखाई हूँ कतला फिश या रोहू फिश में ना परवल देखकर, फूल गोभी देखकर बनाई थी शायद एक बार, और आलू देखकर तो हमेशा बनाती हूँ और परवल देखकर बनाऊंगी, ठीक है, ये मस्त लगेगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर रेसिपी ट्राई कीजिए। ये परवल को ऐसे दो पीस ही करूँगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चिकन निकाल दूंगी, दो पीस ही करूँगी बड़ा बड़ा करके, बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस टाइप का कट करना है, थोड़ा थोड़ा चिकन रखना है और थोड़ा थोड़ा निकाल देना है, दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप कतला फिश, रोहू फिश, नहीं तो पासी, कोई भी चीज़ में बना सकते हैं, पर फ्रेश वाटर का फिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्जी देकर बनाएंगे तो, और बच्चे भी ना खुशी से खा लेते हैं, फूलगोभी परवल ये सब सब्जी ना बच्चे को भी पसंद आता है तो आराम से खा भी लेते बच्चे। अब इसको ऐसे दो पीस में चॉप करना है,
गया फिश फ्राई। तो फ्रेंड्स तेल गरम है, अब मैं काला जीरा होता है ना कलौंजी वो डालूंगी तड़का में, और अब मैं ये पटाटो डालूंगी, पटाटो को फ्राई करूंगी, पटाटो और परवल दोनों को डाल दूंगी। परवल और आलू फ्राई हो गया है, अब मैं प्याज डालूंगी, प्याज को भी फ्राई करूंगी। अब इसमें नमक और हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर भी डाल दूंगी। प्याज फ्राई हो चुका है, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून दूंगी, ज्यादा नहीं 1 ही स्पून दूंगी। फिर अभी एक टमाटर दे दूंगी, अब मसाला को अच्छे से भूनेंगे रस मिल जाने तक। जिंजर गार्लिक भुनना हो गया, अब मैं पानी दे दूंगी, 2 ग्लास पानी दूंगी, ये पतला बनेगा। अब ये 3 ग्रीन चिल्ली दे दूंगी, अब ढक्कन लगा दूंगी और एक अच्छे से बॉईल आने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये बॉईल आएगा ना पानी में, तो ये जो फिश फ्राई करके रखी हूँ, और फिर एक अच्छे से बॉईल आने के बाद गैस बंद कर दूंगी, हो जाएगा फिश करी, 4-5 मिनट में ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब फिश डालूंगी ना उसके बाद 4 या 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दूंगी। तो पानी का बॉईल आ गया है, अब फिश डाल दूंगी। फिर से और एक अच्छे से बॉईल आने के बाद गैस बंद कर दूंगी। तो आ गया फ्रेंड्स भाकुरो माछो पोटल आलू देके छोड़, कतला फिश परवल और आलू देके छोड़। बहुत ही बढ़िया हुआ है फ्रेंड्स। और यहाँ त्रिशा भी लेकर आ गई सबके लिए राइस, खाना खा लेते। बाबा गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ए बाबू। मामा जल्लाड़ा बढ़िया पहन। अरे आ गया मेरे प्याले प्याले बाबू, नाक को ऐसे करके क्योंकि फिश हुआ है, इसको तो फिश बिल्कुल पसंद ही नहीं है। चिकन खाया था अफगानी, हाँ बनाई थी मैं, वो ब्लॉग आएगा ठीक है, देखना उड़िया ब्लॉग में आएगा, और कुछ कुछ क्लिप्स मैं इधर भी डालूंगी ठीक है। उसका रेसिपी तो मैं पहले हिंदी ब्लॉग में दी थी, कब बनाई थी, बुधवार के दिन, तब तो टकाटक 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 खा लिया, तब तो इस टाइप का कुछ मुंह नहीं। जब फीस बन जाएगा ना तब उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा कड़ा ऐसे हो जाएगा ठीक है। अच्छा मैं ये भी नहीं कर दूंगी कुछ अच्छा बना के, बापू माँ आएंगे ना कुछ अच्छा बनाएंगे, बापू माँ आएंगे भी तो भेज बनाएंगे। वो बोल रहे बापू माँ क्यों चिकन मटन नहीं खाते, क्योंकि बाबा ना चिकन मटन मीट कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फिश और प्रॉन खाते, और वो भी इस महीना और नहीं खाएंगे, नेक्स्ट मंथ ही खाएंगे। कि बापू माँ भी चिकन मटन खा लेते तो अच्छा होता, ये भी नहीं हम लोगों को कुछ अच्छा अच्छा खाना मिल जाता। भेज में कितना भी उसको अच्छा दो ना, ऑलवेज चिकन चाहिए। ये एक खाएगा ना, ये खाने के बाद इतना अच्छा लगेगा, चिकन तो भूल जाएगा, ये खाएगा। फिश नहीं खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, हाँ मार खाएगा। देखो उसका आज नहीं खाएगा, स्ट्राइक है बाबू का, हंगर स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है बाबू, और 2 किलो 1 किलो कम हो जाएगा बाबू हंगर स्ट्राइक में। मेले बाबू आज मुख छोड़े गई थी, वो पटल पकेची, पटल पकेची, परवल डाली हूँ आज, अच्छा लगेगा आज मेरे प्यारे बाबू। मेरे सुनना बाबू, कल रात को पापड़ फ्राई की थी, और बाबू का ना बोलो खाएगा ना, बोलू कल पापड़ खा कर गया था। बोलो कल क्या किया था बाबू पता है? दो नहीं, जो उनका कल जो उसके नाना ना बहुत सारे पापड़ मिक्सर दिए पता है, और वो दोनों ना ये दोनों दोनों के बारे में। तो सॉरी फ्रेंड्स नहीं बोलूंगी, बाबू ने मना किया है, तो वो क्या किया था ज्यादा पापड़ खाकर,
पापड़ है। हाँ ये देखिए, उसके नाना ने ना बहुत सारे पापड़ दिए थे, मैं दिखाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो, इवनिंग को नहीं तो दिखाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा, मैं कल रात को बहुत पापड़ फ्राई की थी, तो ये पापड़ कल खाकर जो समझ गए समझ जाइए, मैं और नहीं बोलूंगी क्योंकि बाबू मना किया है, बाबू रोए। हाँ नहीं मैं नहीं बोला, मैं कुछ बोला ही नहीं। हाँ मैं एडिट करूंगी पर मैं कुछ बोला ही नहीं। बाबू का रात का पापड़ खाकर बहुत खुश हो गया था, मैं ये बोली खुश हो गया था बाबू। तो फ्रेंड्स अब मैं खाना निकालूंगी, तो बाबू का पापड़ बहुत पसंद है, तो वो कल बहुत खुश हो गया था पापड़ खा खा के, रात भर पापड़ खा रहा था। ठीक है यही बोलने वाली थी मैं और कुछ नहीं बोल रही। अजय बाबू मेरा प्यारा बाबू गुस्सा हो गया बोल रही हूँ मैं। मैं उसको क्या खिलाऊंगी, तो खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा। छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, पटोला आलू पकेगी, परवल आलू देखकर कतला फिश जो गोटे मुंडड़े खाए होगी मछर मुंडड़ा, देख कितने बड़ा मुंडड़ा। ये देख ये मैं खाऊंगी, तू मत खा, ये मैं सबसे बड़ा हेड में खाऊंगी। ये देखिए ये जाएगा मेरी प्लेट में। और ये टेल भी मैं खाऊंगी, हम लोग बोलते हैं इसको लांजो, माछो लांजो, माछो लांजो मेरे सबसे फेवरेट, लांजो और हेड मुंडो, लांजो मुंडो सबुठ बढ़िया। बाबो त्रिशा का भी 3 बजे फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आ गया बाबू, चल आ जाओ आ जाओ, मैं खो दी कि दादे खाओ, खुद खाओ, मुझे खाओ, ओके मुझे खा दो, ओके ले जा, ये बड़ा तेरा प्लेट, वो खाएगा नहीं खाएगा ले, कौन सा भी ले, पापड़ है ना, पापड़ तो तुझे बहुत पसंद है ना बाबू। देख ली पोटल तो कड़ा किन लागू छु मामा, कैसे हुआ है बोल, परवल और कतला फिश ले जी बाबू रे, खाई तो कर रहा कोई वास्तव कड़ा किम दे छी, फिश करी खा कर बोल कैसा हुआ है, यम्मी आ कहू तुल खाऊन बोली, पोटल पकी छी ना परवल। और ये रहा मेरी प्लेट, फिश आउ भात, माछ आउ भात, हाँ हाँ लांजो टे खाइबाला। ये फिश टेल किस किस को पसंद है बोलिए, मेरा तो फेवरेट है फेवरेट, इसका करी ना फ्रेंड्स इतना अच्छा हुआ है। आ जरूर रेसिपी बनाए और कैसा लगा कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। होप आप लोगों को ये कतला फिश का रेसिपी अच्छा लगा होगा परवल के साथ, और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और जो जो मेरे चैनल को नहीं देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अब सारा फोकस फिश में, फिश में अगर फिश करी हो या फिश फ्राई हो जो भी हो, मुझे तो फिश फ्राई से फिश करी बेसर ये सब पसंद है, उसमें अगर हेड और टेल ना खाऊ ना मैं, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं फिश खाई ही नहीं।